हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कार म्यूजिक सिस्टम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं जीतू यादव आज आपके लिए क्या एक और नया वीडियो। आज का वीडियो है मारुति सुजुकी रिट्स कार के एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम प्लेयर के ऊपर। तो गाइस वीडियो देखने में चलूंगा सब्सक्राइब नहीं किया चलूंगा सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दें। तो गाइस जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है आपका रिट्स कार का एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम प्लेयर का फ्रेम। आपको ओनली फ्रेम चाहिए, ओनली फ्रेम भी मिल जाएगा। कंप्लीट सेट चाहिए, कंप्लीट सेट मिल जाएगा। ये इसका फ्रेम है और साथ ही मिलेगा इसमें आपको कंप्लीट हार्नेस जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इससे पहले आपको दिखा दूँ स्टीरियो जिसमें फिक्स हो जाएगा ये। तो गाइस हार्नेस की बात करें तो कंप्लीट हार्नेस है इसकी। इसका मेन केबल है, जैक टू जैक वायरिंग है कि कोई भी वायरिंग कट नहीं होगी। साथ में मिलेगा आपको डबल यूएसबी वायर, ऑडियो वीडियो एक्स्ट्रा माइक लगाना है आपको, बेस ट्यूब लगानी है उसके लिए वायर साथ में। ये है आपका जीपीएस एंटीना, साथ में मिलेगा आपको रिवर्स कैमरा कनेक्टिविटी वायर। तो चलिए करते हैं स्टूडियो को ऑन। तो गाइस ऑन होते ही फ्रंट पर लोगो आएगा मारुति सुजुकी का और प्रॉपर फिक्स होगा ये, ऐसा नहीं है, प्रॉपर नक्का टू नक्का फिक्स होगा इसका। गाइस स्टूडियो की बात करें, स्टूडियो ऑन हो चुका है और टच की बात करते हैं, काफ़ी स्मूथ टच दिया हुआ है इसका। और फीचर्स की बात करें तो काफ़ी सारे फीचर्स इसके अंदर, क्रोम, रेडियो, म्यूजिक, वीडियो, ब्लूटूथ, बीटी म्यूजिक सेटिंग, फाइल मैनेजर, प्ले स्टोर, मैप, काफ़ी सारे एप्लीकेशन दे रखे हैं इसमें। आपका प्राइम वीडियो, गूगल, यूट्यूब, डीएसपी दिया हुआ है। डीएसपी की बात करें, प्रॉपर डीएसपी से कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक डीएसपी, ये प्रॉपर डीएसपी दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसे हम प्रॉपर डीएसपी कहते हैं। इसमें आपको मिल जाएगा सब बूफर ऑन ऑफ का फीचर, लो मिड स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस फैडर हर चीज दी है इसके अंदर। बात करते हैं इसकी रैम की, मैं आपको उसकी रैम दिखा देता हूँ। एंड्रॉइड वर्जन 11 है, 2GB रैम है, 16GB इंटरनल मेमोरी है, सिस्टम प्लेटफॉर्म T5 दिया हुआ है। आपको इस साइड के लाइट्स ऑन ऑफ करने उसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, साइड में आपका डिटेक्ट लुमिनेट का ऑप्शन है, जिससे आपके लाइट ऑफ ऑन रहेंगे। इसमें आप फोन कनेक्ट करके गाने भी सुन सकते हैं, आपको कॉल वगैरह करनी है आप कॉल भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कनेक्ट करके कैसे करना है। तो गाइस आपका साइड में ऑप्शन दिया हुआ है ब्लूटूथ का, इस पर टच करना है आपने और यहाँ से स्कैन करना है। जैसे कि मेरे फोन का डिवाइस नेम आ रहा है गैलेक्सी M40, इस पर टच करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है डिवाइस नेम LD888BT, इस पर टच करना है, ठीक है। नॉर्मली आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आपके ऑप्शन वगैरह ओपन हो जाएंगे, आपको कॉल वगैरह करनी है आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट का ऑप्शन आपको फ्रंट से ही मिल जाएगा, साइड में आपका माइक दिया हुआ, बात भी कर सकते हैं। आपको फ़ोन से गाने प्ले करने हैं तो साइड में आपका बीटी म्यूजिक का ऑप्शन दिया हुआ, आप यहाँ टच करेंगे तो आपके जो फ़ोन के गाने वगैरह हैं वो भी चल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे चलेंगे। तो भाई जैसे कि मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट कर रखा है, मैं अपने फ़ोन से गाने प्ले कर रहा हूँ। तो गाइस जैसा कि मैंने एक सिंगल स्पीकर कनेक्ट किया हुआ है, ऐसे आप चार स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आउटपुट की बात करते हैं, आउटपुट काफ़ी हैवी, जैसे कि मैं आपको आउटपुट सुना देता हूँ उसका। गाइस बात करते हैं इसकी वीडियो क्लैरिटी की, किसी भी एंगल से कोई नेगेटिविटी नहीं है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉपर एलईडी है, किसी भी एंगल से कोई नेगेटिविटी नहीं है। इसमें आपका पिक्चर एंड पिक्चर का फीचर्स भी दिया हुआ है, आप साइड में मूवी देख सकते हैं, अदरवाइज आपको नेविगेशन वगैरह यूज करना है नेविगेशन भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके परचेज करने का कॉन्टैक्ट नंबर दिया, वेबसाइट का लिंक दिया गया। थैंक यू।